हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट व्लॉग है जो कि मैं एंड्रॉयड में बनाऊंगी, कैप्चर करूंगी। सो मुझे नहीं पता कि ये कैसा बनने वाला है और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं किधर देखूं, उधर देखूं किधर देखूं। एंड्रॉयड में मेरी शक्ल कुछ इस तरह की दिख रही होती है। अभी सहरी कर ली है, अभी मैं सहरी करके नमाज वगैरह कुरान पाक पढ़ लिया है, उसके बाद अब मैं सोने लगी हूँ क्योंकि सुबह मेरी ऑनलाइन क्लास है, तो मैं उठ जाऊँगी तब तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड्रॉयड में क्यों बन रहा है, क्योंकि आईफोन गया, आईफोन टूट गया है, वो ख़राब हो गया है। वो मैं दिखा दूंगी आपको, सुबह दिखा दूंगी, अभी नहीं दिखा सकती। आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि एंड्रॉयड में मेरी पिक्चर्स या व्लॉग कैसे बनते हैं। सो हेयर इज फोन फोन फोन। अभी इसका फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। असल में ना अंकल से बात हुई है, वो कह रहे हैं इनसे बात हुई है कुछ टेक वालों से ना, वो कह रहे हैं कि आपका 20,000 लगेगा और ये ठीक हो जाएगा। मम्मा लुक एट दिस फोन। सो ये फ़ोन ठीक होगा तो मेरे व्लॉग्स बनेंगे। ऐसे नहीं है, वैसे हम लोग ले हैं नया फ़ोन, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैंने अपने व्लॉग्स तो नहीं छोड़ सकती ना, अब मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आईफोन है तो क्या मतलब मैं व्लॉग ना बनाऊँ 4-5 दिन। मरियम भी गाँव चली गई है और उसके बगैर मेरी ईद कैसे गुजरेगी, वो आज हम एंड्रॉयड में देखेंगे। सो अभी तो मैं सोने लगी हूँ वापस, तो सो अभी इसको वापस डाल देते हैं। बाबा कह रहे थे मैं आऊँगा तो मैं खुद ठीक करवा लूँगा, वो मैडम तो चली गई उन्होंने। अच्छा इससे थोड़ा सा बड़ा वाला लिया, लाइक मुझे मॉडल्स की समझ नहीं आती है आईफोन की, कौन सा एक्सेस मैस है ना, ये एक्सेस था। तो अभी हम इसको रख देंगे इधर, संभाल के साइड पे रख देंगे। ओके, तो मैम ने हमें ये टास्क दिया है, दिस इज़ कॉल टास्क। तो क्लास में कह रही हैं चैट जीपीटी भी यूज़ नहीं करना आपने, मैं आप एब्सेंट मार्क किए जाएंगे। तो पता नहीं किस चीज़ के टास्क है, और ये अभी हमें क्लास के एंड में सबमिट करना है, क्लास ओवर होने वाली है। मैं अभी सोई उठी हूँ, आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे 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 करूँगी। बेहद उठ जाओ, अब हम मैम ऐमन की क्लास ले रहे हैं जो कि हमें पढ़ाती हैं प्रोग्रामिंग। समझ तो एक लफ्ज़ भी नहीं आ रहा। अभी हम पढ़ेंगे नमाज, नमाज का टाइम हो गया है और बाहर का मौसम। नमाज मैंने पढ़ ली है, मुझे मास्क नहीं मिल रहा था तो मैंने ये हाफ नकाब यूज़ किया है। सो अभी टाइम एकदम टाइम बताना क्या हो रहा है, 1:40 हो रहे हैं। 3 बजे तक ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे और आज उनका आखिरी दिन है, उनको फिर मैं ईद की छुट्टियाँ दे दूँगी और उसके बाद हमने इफ्तारी की तैयारी शुरू करनी है और शाम को फिर मैंने बाहर जाना है, ज़रूरी काम है। और तब तक के लिए वेट इसका है जो नमाज पढ़ने जा रहा है। बाय बाय। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी पिक्चर्स इस मोबाइल में अच्छी आ जाए, लगता तो नहीं है मगर मैं पूरी उम्मीद कर सकती हूँ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मेरी इतनी प्यारी जूती थी जो मरियम का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये टूट गई है, गई थी इफ्तारी पे तो वहाँ पर आईफोन तोड़ा ही है। और ये भी जूता फेरा फेरा मैंने ईद पे पहनना था, अब मैं ईद पे कोई जूता भी नहीं ले रही क्योंकि ना मेरे पास घर में, मैं बताती हूँ सिंपल सी बात है, दो जोड़े हैं वो भी सिंपल से हैं और ना मैंने जूता लिया है ना मैंने कोई चीज़, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि आईफोन नहीं है, आईफोन में मैंने पिक्चर्स नहीं बनानी, व्लॉग नहीं बनाना था। तो मैंने सोचा मैं लेके करूँगी क्या, मरियम नहीं है ना, बाहर जाना है, तो फिर हमने सोचा कि घर में ही रहना है तो फिर मुझे ये सब रहने की ज़रूरत नहीं है, घर में सोना है। तो घर में बस 5 लोग हैं तो बस हम लोग घर में ही रहेंगे और मैंने कुछ लिया ही नहीं। अब मैं जाऊँगी वैसे शाम तक कॉलेज जाऊँगी थोड़ी देर तक। ईद जो है वो जुम्मे वाले दिन है या हफ्ते वाले दिन है, उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन तैयारी रखूँ पूरी। बारिश हुई थी सुबह रात को सहरी में, आपको तो पता ही है, और उस लिहाज से तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा कि बारिश हुई थी, पूरी रोशनी आई हुई है बाहर, पूरा लाइक सूरज निकल आया है। और मौसम चेक करें, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर बारिश हुई थी। चले अब मैं सोच रही थी मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, सुबह उठी थी
9 बजे क्लास लेने के लिए. मैं ना उठती ना मगर मैडम ने टास्क दिया था जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ा. बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट. ओके तो अभी गुड मॉर्निंग भी हो गया. मैं 3 से उठ भी गई हूँ. तकरीबन 4 बजने वाले हैं कि 5 बजने वाले हैं. तो अभी इफ्तारी की टाइमिंग शुरू करते हैं. तो आज हम चाट बना रहे हैं, चना चाट. हम लोग 5 लोग हैं तो ज़्यादा मैं कह रही हूँ मम्मा को कि मेहनत ना करें, बस पानी और चाय बनाते हैं क्योंकि फिर हमें ईद पे सारा खर्चा करना है. सो अभी मैं इनको धोती हूँ. चने सुबह ही रख दिए थे छत पे ना, धूप में रख दिए थे. तो अभी इसको प्रेशर में रख के मैं बंद करके रखती हूँ. जब भी आलू साफ करती हूँ ना, वॉश करती हूँ, तो उनमें जो खुशबू आती है ना मिट्टी की, वो मुझे बहुत पसंद है. इतने मज़े की टेस्टी. मुझे ना मेरी सिस्टर ने, छोटी बहन ने, ईद का गिफ्ट दिया है. कार्ड, ईद कार्ड. आई थिंक मुझे ये फर्स्ट टाइम किसी ने दिया है. उसने छोटे छोटे बच्चों को भी दिया बांट कर, और मुझे समझ नहीं आई. ट्यूशन वाले बच्चों को उसने दिया, मैंने कहा टीचर नहीं देती, बच्चे देते हैं टीचर को गिफ्ट. नहीं, टीचर ने जी बच्चों को कार्ड दिए हैं. लेट्स रीड इट. प्रिटी है चांद रात. अब चांद रात है तो नहीं आज, खैर. तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे एंड ईयर. मैं इसमें भी खुश हूँ कि मुझे इसने इतना सा दिया है. एंड थैंक यू इरम. ओके तो अभी टाइम ही टाइम है और रेस्ट कर रहे हैं अपन लोग, रेस्ट कर रहे हैं. मैं टाइम दिखाती हूँ. 5:31 हो गए हैं तो 6:40 पे इफ्तार होता है. अभी कोई काम भी नहीं है, सफाई भी हुई भी है, कोई शोर भी नहीं है. इफ्तारी के लिए चाट का मैंने सब कर लिया, बस वो दही डालना है, वो थोड़े टाइम पहले डालूँगी पानी. तो अभी हम बना रहे हैं पालक और प्याज के पकौड़े. आलू नहीं डाल रही, मम्मा कह रही आलू डालो, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम 5 लोग हैं, कोई और है भी नहीं, तो हमने खाना ही है. हमें जो भी मिल जाए हम खा लेते होते हैं, कोई नखरे वाली बात नहीं है. तो ईद आ रही है, सारा खर्चा ईद पे करेंगे. इफ्तार का टाइम है और इफ्तार में हम लोग 5 लोग हैं. तो अब दुआ का टाइम है और आप सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, और उसके पेपरों के लिए भी दुआ करें. और हाँ, इसका हाथ जल गया, ऑयल गिर गया था इसके ऊपर गरम गरम. ठीक है, अल्लाह पाक हर परेशानी और मुसीबत में सब्र अता करें. आमीन. पकौड़े बनाए हैं, चाट बनाई है, अभी इन सबको अरेंज करते हैं और फिर इफ्तार करते हैं. दुआ करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में शामिल करिएगा. मेरा हाथ ठीक हो जाए दुआ. हाँ हाँ, वो ठीक है, वो हो जाएगा. मेरा व्लॉग एंड होता है. सो अल्लाह हाफिज़.